नमस्कार दोस्तों। तो टेंस, मेन टेंस तीन रहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सब टेंस उसके रहते हैं चार, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। तो आपको इसको याद रखना है। और फिर है प्रेजेंट के, तो आपको लिखना है रोज़ प्रेजेंट के सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट के ऐसे इंग्लिश में 15 सेंटेंस, और उसको ट्रांसलेट करना है तीनों के, तो 15, तो ये हो जाएगी 30। और पास्ट में भी ऐसे 30 सेंटेंस आपको लिखना है प्रेजेंट के, हिंदी, इंग्लिश, पास्ट के, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और इनके, तो 30 सिक्सटी सेंटेंस आपको रोज़ लिखना है। अब इसके जो सेंटेंस हैं वो एक पहला पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा पांचवा WH। तो इसको रोज़ प्रैक्टिस आपने करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें है आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत घसता हूँ। आई डू नॉट ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत नहीं घसता हूँ। डू आई ब्रश माई टीथ, क्या मैं अपने दांत घसता हूँ। वाई डू आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत क्यों घसता हूँ। व्हेन डू आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत कब घसता हूँ। तो ऐसे इसमें इंग्लिश और हिंदी में लिखना है। और जब सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट रहेगा तो ब्रश का ब्रशेस हो जाता है, तो शी ब्रशेस हर टीथ, वह अपने दांत घसती है। शी डज नॉट ब्रशेस हर टीथ, वह अपने दांत नहीं घसती है। डज लग गया तो एस ई एस हट जाता है फिर, तो इट इज़ रूल, ये ऐसा रूल है। तो आई के जगह आप दूसरा बोल सकते हो, यू ब्रश योर टीथ, तुम अपने दांत घसते हो। यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, तुम अपने दांत नहीं घसते हो। डू यू ब्रश योर टीथ, क्या तुम अपने दांत घसते हो। वाई डू यू ब्रश योर टीथ, तुम अपने दांत क्यों घसते हो। व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, तुम अपने दांत कब घसते हो। हाउ डू यू ब्रश योर टीथ, तुम अपने दांत कैसे घसते हो। अब सब्जेक्ट हम चेंज कर देंगे, अब दे ब्रश देयर टीथ, वे अपने दांत घसते हैं। दे डू नॉट ब्रश देयर टीथ, वे अपने दांत नहीं घसते हैं। डू दे ब्रश देयर टीथ, क्या वे अपने दांत घसते हैं। वाई डू दे ब्रश देयर टीथ, तो दे का देयर होगा, तो दे का इसमें देयर यानी उनके दांत। तो व्हेन डू दे ब्रश देयर टीथ, वे उनके दांत कब घसते हैं। अब ही है तो ही ब्रशेस हिज टीथ, लड़का है तो ही का हिज हो जाता है, तो ही ब्रशेस हिज टीथ, वह अपने दांत घसता है। अब माय मदर ब्रशेस हर टीथ, मेरी माँ अपने दांत घसती है, इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, आई एम ब्रशिंग माय टीथ, मैं अपने दांत घस रहा हूँ। आई एम नॉट ब्रशिंग माय टीथ, मैं अपने दांत नहीं घस रहा हूँ। एम आई ब्रशिंग माय टीथ, क्या मैं अपने दांत घस रहा हूँ। वाई एम आई ब्रशिंग माय टीथ, मैं अपने दांत क्यों घस रहा हूँ। व्हेन एम आई ब्रशिंग माय टीथ, मैं अपने दांत कब घस रहा हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाना है, पांच सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में। अब ही शी इट और नाउन के साथ में इज का उपयोग होगा, यू वी और दे के साथ में आर, जो सब्जेक्ट है अनेकवचन है प्लूरल, हाँ प्लूरल, तो इनके साथ में आर का उपयोग होता, और आई के साथ में एम का यूज़ होगा। इट इज़ एम इज़ आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका आपको सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद में उपयोग करना है। तो इनका एग्रीमेंट है ये, ही शी इट और नाउन के साथ में एग्रीमेंट हुआ है इज़, और यू वी और दे के साथ में आर का एग्रीमेंट हुआ है, और आई के साथ में एम का, और ऐसा रूल है। तो यू आर ब्रशिंग योर टीथ, योर टीथ, तुम अपने दांत घस रहे हो। यू आर नॉट ब्रशिंग योर टीथ, तुम अपने दांत नहीं घस रहे हो। अब आर यू ब्रशिंग योर टीथ, क्या तुम अपने दांत घस रहे हो। व्हेन आर यू ब्रशिंग योर टीथ, तुम अपने दांत कब घस रहे हो, इस तरीके के सेंटेंस। अब मेरा भाई दांत घस रहा है, माई ब्रदर इज़ ब्रशिंग हिज टीथ। माई सिस्टर इज़ ब्रशिंग हर टीथ। माई फादर इज़ ब्रशिंग हिज टीथ, हाँ उनके दांत, वो उनके दांत घस रहे हैं, इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। अब अब हो गया है ये, यू आर ब्रशिंग योर टीथ, हाँ व्हाई आर यू ब्रशिंग योर टीथ, तुम अपने दांत क्यों घस रहे
हो अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आई हैव ब्रश्ड माई टीथ मैं अपने दांत घस चुका हूँ। आई हैव नॉट ब्रश्ड माई टीथ मैं अपने दांत नहीं घस चुका हूँ। हैव आई ब्रश्ड माई टीथ क्या मैं अपने दांत घस चुका हूँ। व्हेन हैव आई ब्रश्ड माई टीथ मैं अपने दांत कब घस चुका हूँ। वेयर हैव आई ब्रश्ड माई टीथ मैं अपने दांत कहाँ घस चुका हूँ। हाउ हैव आई ब्रश्ड माई टीथ मैं अपने दांत कैसे घस चुका हूँ। अब सिंपल पास्ट टेंस, इसमें आई ब्रश्ड माई टीथ मैं अपने दांत घसता था। आई डिड नॉट ब्रश माई टीथ मैं अपने दांत नहीं घसता था या नहीं घसा। तो इसमें आपको पास्ट सेंटेंस बनाना है और इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में वी टू का उपयोग होता है और डिड के साथ में वी वन का। तो डिड आई ब्रश माई टीथ क्या मैं अपने दांत घसा। डिड आई ब्रश माई टीथ क्या मैंने अपने दांत घसा। व्हाई डिड आई ब्रश माई टीथ मैंने अपने दांत क्यों घसा या क्यों घसता था। व्हेन डिड आई ब्रश माई टीथ मैं अपने दांत कब घसता था। तो अब यहाँ पर यू ब्रश योर टीथ तुमने अपने दांत घसे। यू डिड नॉट ब्रश योर टीथ तुमने अपने दांत नहीं घसे। डिड यू ब्रश योर टीथ क्या तुमने अपने दांत घसे। व्हाई डिड यू ब्रश योर टीथ तुमने अपने दांत क्यों घसे। अब हाउ डिड यू ब्रश योर टीथ तुमने अपने दांत कैसे घसे। वेयर तुमने कहाँ घसे। तो वेयर डिड यू ब्रश योर टीथ तुमने अपने दांत कहाँ घसे। इस तरीके के सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करना है और इसके 5 हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। अब पास्ट कंटिन्यू टेंस में आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ मतलब रहा था। आई वॉज ब्रशिंग मैं अपने दांत घस रहा था। आई वॉज नॉट ब्रशिंग माई टीथ मैं अपने दांत नहीं घस रहा था। वॉज आई ब्रशिंग माई टीथ क्या मैं अपने दांत घस रहा था। वॉज आई ब्रशिंग माई टीथ क्या मैं अपने दांत घस रहा था। वाई वॉज आई ब्रशिंग माई टीथ मैं अपने दांत क्यों घस रहा था। वाई का मतलब होता है क्यों। व्हेन वॉज आई ब्रशिंग माई टीथ मैं अपने दांत क्यों घस रहा था। तो यहाँ पर जो है वर्ब हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट देखिए जो है आई ही शी इट और नाउन के साथ में वॉज का उपयोग होता है। अब ये सिंगुलर है और प्लूरल में यू वी और दे इनके साथ में वर का उपयोग होगा। वर या वेयर तो हम वर ही बोलेंगे। तो यू वर ब्रशिंग योर टीथ तुम अपने दांत घस रहे थे। यू वर नॉट ब्रशिंग योर टीथ तुम अपने दांत नहीं घस रहे थे। वर यू ब्रशिंग योर टीथ क्या तुम अपने दांत घस रहे थे। अब वाई वर यू ब्रशिंग योर टीथ तुम अपने दांत क्यों घस रहे थे। व्हेन वर यू ब्रशिंग योर टीथ तुम अपने दांत कब घस रहे थे। तो ही इज़ ब्रशिंग अब वह अपने दांत घस रहा था। ही वॉज ब्रशिंग हिज टीथ शी वॉज ब्रशिंग हिज टीथ इस तरह की सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें आपको आई हैड ब्रश माई टीथ मैं अपने दांत घस चुका था। आई हैड नॉट ब्रश माई टीथ मैं अपने दांत नहीं घस चुका था। हैड आई ब्रश माई टीथ क्या मैं अपने दांत घस चुका था। व्हेन हैड आई ब्रश माई टीथ मैं अपने दांत कब घस चुका था।